वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। लाइफ प्रोसेस सीखना है और पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। अभी इतनी कलरफुल इमेज है खाना, और अच्छा खाना खाओगे तो हेल्दी रहोगे एंड एट द सेम टाइम उस न्यूट्रिशन व्हाट इज न्यूट्रिशन बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिशन व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन बिकॉज इट इज अ बज वर्ड पीपल की आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको हर जगह एक वर्ड जरूर सुनने को मिलता है, इट इज हाईली न्यूट्रिटिव, इट हैज हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली? बिकॉज उसको खा के उसको कंज्यूम करके यू रीच टू दिस स्टेज, मतलब आप हेल्दी होते हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और आप अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। सो इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन बेसिकली हम सभी को जरूरी है। वी कम इन टू द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉपिक, मतलब वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आर ओन फूड। जस्ट लाइक अ प्लांट, जो प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, एबायोटिक एजेंट्स को यूज करता है और अपना खाना बना लेता है। क्या मैं आपको सनलाइट दे दूं और कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, वाटर दे दूं, क्या तुम खाना बना पाओगे? नहीं, यू आर नॉट, एंड दैट्स व्हाई यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अब हम खाना जो खाते हैं, उसको कंज्यूम जो करते हैं, उसका अल्टीमेटली आगे चलकर क्या होता है? मैंने खाना खा लिया, व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर दैट? वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट दैट ओनली, कि आगे चल के खाना खाने के बाद क्या होने वाला है इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ अस, हमारे पास ऐसा क्या है, कैसे सिस्टम है। एंड डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन को जो आप खाना खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। ओके, एनर्जी मिलती है उससे। अभी क्या ऐसा है क्या वो एनर्जी कैसे? एंड पीपल आर ऑलवेज गेट्स कंफ्यूज, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइजेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। नो, इट्स रॉन्ग। डाइजेशन मतलब जो बड़े बड़े बिग मॉलिक्यूल हैं इन खानों, जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हो, जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में तब मतलब उसको चेंज, तोड़ देना, ब्रेक करना, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देना, ब्रेक कर देना, सो दैट आपकी बॉडी उसको यूज करके क्या बना सके? एनर्जी। सो दैट्स व्हाई एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। डाइजेशन में क्या है, जो भी आपने खाना खाया उसको क्या करना है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना है, समझे? सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, और आगे चलकर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान उससे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो नाउ आर यू क्लियर विद दिस मेजर डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशन मतलब अ डाइजेशन बाय आफ्टर कंज्यूमिंग फूड। डाइजेशन क्या करेगा, ब्रेक करेगा, एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद जब वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल में जब वो ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड वेयर रेस्पिरेशन, दैट इज द सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें क्या होगा, उसका एनर्जी प्रोडक्शन होगा। सो दिस इज द डिफरेंस, डोंट गेट कंफ्यूज कि डाइजेशन मतलब ये हो गया एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नॉट एट ऑल। और अब स्मॉल मॉलिक्यूल में है, अभी अगर मुझे कट आया यहाँ पे तो क्या राइस गिरने लगता है? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो व्हाट आई हैव कंज्यूम अ फुल प्लेट ऑफ बिरयानी एंड देन आई मीट, उससे मुझे क्या मिले, उससे मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिले। आई से आई गेट कार्बोहाइड्रेट, आई हैव एट, मैंने क्या खाया था, राइस। वो राइस जो बिग मॉलिक्यूल था उसको ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट मिला। सो ये जो चेंज है फ्रॉम दैट बिग मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस विल बी टेकन कंप्लीटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो होप यू आर क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टुडेज टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री क्रम। यहीं पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर ये आपको अपनी एग्जाम में If you are a good in इसमें drawing में you can draw a good structure like this, and if you are not, simply अच्छे से average
ड्रॉइंग करके इसको, पर ये आपको व्हेन द क्वेश्चन कम्स की डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए या ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल को एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसे नहीं कि सब राम कथा लिख दी बट आपने क्या नहीं लिखा, आपने डायग्राम नहीं बनाया, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता, तो यू हैव टू ड्रॉ योर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ऐसा नहीं कि एकदम बिग तो यही बनाना है, यस थोड़ा 90-20 वो हो जाएगा, बट यू हैव टू। नाउ इन आर केस दिस आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल वेयर डाइजेशन ऑफ द फूड विल टेक्स प्लेस। मतलब बिग मॉलिक्यूल्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लेट्स सी, लेट्स जस्ट रीड ऑल दीस थिंग्स, मतलब इसके जो सारे पार्ट्स हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट्स इन डिटेल एंड देयर फंक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और आई कैन से देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। सो आर एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। तो पहला है बकल कैविटी, उसमें एक टंग, टंग से ही तो आप उसको सॉलो करते हो। देन इसोफेगस, इसोफेगस इज अ फूड पाइप। देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे लीवर और पेंक्रियाज अपने डाइजेस्टिव जूस दे देंगे कि भाई स्टमक यू आर डूइंग सच अ बिग वर्क फॉर बॉडी, ऑर्गन सिस्टम है ना, हम वी आर डेवलप फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, वो भी कुछ एंजाइम्स को देंगे कि भाई अब स्टमक को हेल्प करेंगे कि डाइजेशन कर। स्टमक में डाइजेशन पूरा नहीं होता, एक्चुअली द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी इफ आई जस्ट सेड समथिंग रॉन्ग, दैट लीवर एंड पेंक्रियास इज गोइंग टू रिलीज देयर एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हेल्प करेंगे कि जो जो मॉलिक्यूल जो फूड आया है उसको क्या करना है, डाइजेस्ट, और उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब रहेगा इट विल रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट विल बी स्टोर इन रेक्टम, एंड उसके बाद इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी थ्रू एनस। सो दिस इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो वी स्टार्ट विथ माउथ, विल रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट एंड दैट विल बी द फर्स्ट मोटो, फर्स्ट टारगेट, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, वहां पे अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं जो आगे चल के रेक्टम में स्टोर होते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी थ्रू एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन आज हम देखेंगे और ये सब स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट, सो यस, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर, जो ये लड़की खाना खाते जा रही है, और हमें खाना खाने के बाद अंदर क्या होगा, जो हम कुछ भी ऐसे खाते रहते हम हमारे ऑर्गन्स कितने अच्छी तरीके से उसको डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी देते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। होप आप भी ऐसे कभी खाना खाए होगे जब आप छोटे होगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी में बेसिकली क्या है, टीथ है, दांत है, उसी से तो क्यों करते हो ना, उसी से उसको ग्राइंडिंग कैसे होती है, तो यस। सो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक, यस। हम कुछ भी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो ये सब कहाँ जाना है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम स्ट्रक्चर टेक्सचर। स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए ना, तभी तो बॉडी उसको रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली होगी, तभी तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी। अगर मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो क्या राइस जाएगा मेरे दिमाग में, नो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दैट शुड गो रीच टू माई ब्रेन ना, राइस तो नहीं जाएगा ना अपनी एनर्जी देने। सो या दैट राइस नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन सो दैट आई विल गेट कार्बोहाइड्रेट। This is achieved by crushing the food with our teeth. हमारी जो टीथ में पहले सबसे पहले क्या होगा, खाना खाते टाइम टीथ में टीथ से क्या होगा, क्रशिंग होगी उधर ही, तो यहाँ पे क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make it passage. मतलब उसके पैसेज का स्मूथली आपका मतलब खाना कैसे हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आप चू मतलब क्रश करते हो टीथ की हेल्प से और अच्छे से खाते हो तो सॉफ्ट हो जाए।
इट गिव्स अ ईज ऑफ, मतलब अच्छे से डाइजेस्टिव जो ईसोफेगस है उससे आराम से वो पास हो जाएगा एंड इट विल रीच टू द स्टमक, एम आई राइट? तो यहाँ पे पहले माउथ में क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, माउथ में क्या हो गया, टीथ है, दांत है ना, सबको जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको दांत है, तो जो वीडियो सॉरी तो ये जो दांत है उससे क्या कर लिया, पहले क्रश कर लिया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाए थे उसको अच्छे से क्रश किया, तभी मम्मी आपको बोलती है कि खाने को अच्छे से चबा कर खाओ, तो पहले यहाँ पे, ताकि इससे क्या होता है जब आप प्रॉपर क्रशिंग करते हो तो आप अपने स्टमक और अपने इंटेस्टाइन सॉरी अपने इंटेस्टाइन पे आप कम लोड देते हो, ऐसे फटाफट बिना अच्छे से चबाया खाना जब हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन पे उसको डाइजेस्ट करने में बहुत उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए अच्छे से चबा कर खाना खाना चाहिए। तो उसके लिए हमको टीथ है ना, तो टीथ से क्या करते हैं क्रशिंग, तो उससे स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एंड देन हमारे पास बिकॉज द लाइनिंग इज कैनाल की जो लाइनिंग है इट इज सॉफ्ट, तो वहां पे फूड क्या है वेट हो जाता है, सो दैट इसका इजी पैसेज हो थ्रू द फूड पाइप दैट इज इसोफेगस। नाउ इफ आई जस्ट एड वन पॉइंट हियर कि हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, अडल्ट में 2-1-2-3 ये एंड बाय 2-1-2-3 इन केस ऑफ इन्फेंट्स 2-1-0-2 एंड 2-1-0-2। व्हाट इज एक्चुअली 2-1-2-3? इट इज टू इंसिजर्स, वन केनाइन, टू प्री मोलार एंड 3 मोलार, सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। इफ यू विल जस्ट डिवाइड योर टीथ लाइक दिस, सबसे पहले क्या आते हैं इंसिजर्स, फिर केनाइन, उसके बाद प्री मोलार एंड मोलार, ऐसे करके आपको इधर ऐसे आपके टीथ डिवाइड होते हैं। यू ऑल आर आई थिंक आप सबके पास 32 जो भी 32 हमारे पास जो होते हैं टीथ का जो पूरा सेट है, यू ऑल कैन राइट इन कमेंट बॉक्स के आपके पास कितने टीथ हैं। ओके, सो ये हमारे मिल्क वाले टीथ रहते हैं जो हमारे टूट जाते हैं, एंड जब हम इस केस में पहुंचते हैं अडल्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे मिल्क टीथ चले जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, और इन्फेंट्स में कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला डेंटल। सो ये जो है आप यू कैन राइट इन योर कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स की आपके पास कितने दांत हैं। चलो आगे बढ़े। अच्छा ओके, हैव यू एक्सपीरियंस दिस, कुछ अच्छा आपके मनपसंद खाना देखकर आपके मुंह में पानी आना, ऐसा कई बार हुआ होगा। दिस इज माउथ वाटरिंग, आइसक्रीम है इसको खाने पे देखो, एंड जैसे एज सून एज यू गेट दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि अब तुम हमको इसे खाना है, तो क्या होता है बच्चों, तुम तुरंत इस कंडीशन में पहुंच जाते हो, ओके फटाफट कंप्लीट करते हैं, ओके एंड जब तक नहीं मिला रहता तो ऐसी सिचुएशन होती है कुछ हाउ द गर्ल इज बिहेविंग, जब आप तो आपके मुंह में क्या आता है सडनली आपके मुंह में, कभी कभार तो वेन वी जस्ट इमेजिन आवर फेवरेट फूड हमारे मुंह में ऑलरेडी वॉटर होता है, क्या है बेसिकली, वॉट इज दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। When we eat something we like, जो हम जो हमको बहुत पसंद होता है खाना we like, our mouth waters, मुंह में पानी आना, this is actually not only waters but it is a fluid called saliva, secreted by the salivary gland, तो जो हमारे माउथ में पानी दिख रहा है ना, पानी जो हमें लग रहा है वो that is nothing but a saliva, and yeah it is secreted by the salivary gland, तो ये इतना simple water नहीं है, इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज द इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, इफ इट इज फूड टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अब आप मुझे बोलोगे मैम एंजाइम क्या है, एंजाइम है बायो कैटलिस्ट, मतलब अभी आप सभी ने केमिकल रिएक्शन देखी होगी इन योर केमिस्ट्री पार्ट, तो केमिस्ट्री पार्ट में क्या है ए प्लस बी उसको कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल सी में, और इफ आई एम नॉट और सॉरी ओके सो व्हाट यू मीन बाय एंजाइम, जैसे ये ए प्लस बी will be converted into C और ये X is an enzyme which is going to speed up, क्या करता है it will speed up the reaction,
पर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व. ओके, तो ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल एंजाइम व्हिच यू ऑल हैव सीन, मस्ट हैव सीन इन योर केमिस्ट्री क्लास. बट इन केस ऑफ व्हेन सम एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड एंड एंजाइम फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल एंजाइम एंड और आई कैन से बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. तो यहाँ पे हमारा कोर्स, हमको क्या करना है, हमारे पास बिग मॉलिक्यूल है खाने का, अभी उसको हमें स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, मतलब बिग से हमको स्मॉल करना है, और इस रिएक्शन को मुझे स्पीड अप कराना है, मुझे और अच्छे से कराना है. तो हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, हमारे पास कुछ एंजाइम्स है विच आर एक्चुअली गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल जब माउस से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वही से सेलेबरी ग्लैंड पिक्चर में और यहीं पे क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर. तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है बच्चों, वो एक इट्स अ टाइप ऑफ एक अमाइलेज को सिक्रीट कर देता है. वो अमाइलेज क्या करते हैं, जो आपके फूड में स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा शुगर में. तो यही से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. अब आप मुझे बोलोगे क्या मैम सारे शुगर मतलब सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है? नो, 30% ऑफ योर जो खाना रहता है उसमें से 30% शुगर कन्वर्ट हो जाती है. लेट्स मूव अहेड. द फूड इज मिक्स थ्रूली विद द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग विद द मस्कुलर टंग. तो टंग क्या कर रही है, उसको स्वेलर्स को चबाने में आपकी हेल्प कर रही है और सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है. तो सलाइवा में क्या है, एंजाइम है कौन सा, अमाइलेज. तो इससे क्या हो रहा है, स्टार्च इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल एंड वन ऑफ द मोर एंजाइम व्हिच इज गिवन बाय सलाइवरी ग्लैंड इज लाइसोजाइम्स. दिस लाइसोजाइम्स एक्चुअली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बट दे एक्चुअली किल द बैक्टीरिया. Sometimes जब आप छोटे थे, I don't know what is the situation now, जब आप छोटे थे और क्रिकेट खेलने या बाहर गेम्स या खेलने आउटडोर गेम्स के लिए जाते थे तो वहां से अगर भागते हुए और अगर आपको भूख लगी थी तो सडनली यू जस्ट गो एंड एक एप्पल को ग्रैब किया और तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया विदाउट ये अपना हाथ धोए और ये सब, विच इज नॉट द सिचुएशन राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. तो यहाँ पे लेट्स कम टू माय पॉइंट ही, उसको कैसे भी खा लिया विदाउट कुछ किए, हाथ भी नहीं धोया ऐसे खा लिया. तो ये जो जर्म्स है वो इधर जो आप लेकर आए थे वो जर्म्स आपके सलाइवरी ग्लैंड के पास एक ऑलरेडी एंजाइम है लाइसोजाइम्स, वो इसको क्या करता है, किल कर देता है. तो एक्चुअली लाइसोजाइम्स इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया मतलब जर्म किलिंग एंजाइम. Now let's move ahead. From the mouth, the food has to be taken to the stomach. अब next target क्या है? अपने पेट के पास उसको लेकर जाना, stomach के पास लेके जाना. तो अब कैसे लेके जाएंगे? अब लेके जाएंगे एक हमारे पास food pipe है और उसको हम लोग बोलते हैं esophagus. It is necessary to move the food in the regulated manner along with the digestive tube so that it can be processed in each part. आराम से जाना चाहिए, एक पार्ट में जाना चाहिए. ऐसे नहीं कि ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खाते टाइम सडनली पहले यहाँ पे कलेक्ट होता है एंड देन इट गोज डाउन. नो, इट्स हमेशा जब खाना आया धीरे से वो आपकी ट्यूब ने उसको धीरे से एक एक करके ईच स्टेप वाइज जाता है. ऐसा नहीं है ना कि स्टोर होकर फिर स्टमक में एक साथ से गिरा. नो, स्टेप वाइज जाता है. अभी ऐसा क्यों होता है, इसके लिए इसोफेगस में बच्चों बहुत स्पेशल चीज है, बहुत स्पेशल मूवमेंट होने वाला है. स्पेशल द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स. अब ये जो लाइनिंग है इसोफेगस की उसके पास क्या है, मसल्स है दैट अंडरगो रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड और उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. रिदमिक है मतलब खाना आया मूवमेंट हुई, खाना आया मूवमेंट. यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर ऐसे मूवमेंट. व्हेन यू कंज्यूम समथिंग ट्यूब के मस्कुलर में चेंज होगा और वो नीचे की तरफ वो स्टमक की तरफ पास होगा एंड दिस एक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस रिदमेटिकली एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट.
सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, माउथ में क्या था टीथ और क्या था हमारे पास टीथ था, टंग थी, मस्कुलर टंग थी जो हमें च्यूइंग में हेल्प कर रही थी, टीथ क्या कर रहा था क्रश कर रहा था और इन एडिशन टू दैट सलाइवरी ग्लैंड ने क्या दिया सलाइवा दिया, सलाइवा में क्या था एंजाइम दैट इज अमाइलेज, अमाइलेज ने क्या किया स्टार्च को ब्रोक डाउन कर दिया शुगर, इतना समझा। लेट्स मूव अहेड, अब हम पहुंच चुके हैं स्टमक में, सब अपने अपने स्टमक में पहुंच चुके हैं खाना लेकर अपना। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स, जब खाना खाते हो तो सबसे पहले असर जब वो अंदर पहुंचेगा तो सबसे पहले असर किसके ऊपर पड़ेगा स्टमक के ऊपर। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद द मोर, अब यहां जो स्टार्ट हुआ था माउथ में यहां पे एक ही एंजाइम था बच्चों अमाइलेज, ठीक है, उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, बट आपके फूड में तो प्रोटीन है, आपके फूड में फैट है, लिपिड्स हैं, अब इनकी बारी है, इनको भी तो तोड़ना होगा, आपकी बॉडी को फैट लिपिड विटामिन सब चाहिए, तो अब इनको ब्रेक डाउन करने की बारी आ गई है। तो माउथ में स्टार्च तो चलो 30% शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, अब स्टमक की बारी है, स्टमक भी बहुत खास है, उसके पास क्या है मस्कुलर बैग है, इट्स स्ट्रक्चर इज मस्कुलर, यहाँ पे एक प्रॉपरली क्या होगा मिक्सिंग होगी, प्रॉपरली क्या होगी मिक्सिंग होगी फूड की एंड डाइजेस्टिव जूस से उसको क्या कर दिया जाएगा और मिक्स किया जाएगा ताकि डाइजेशन की प्रोसेस को और अच्छे से किया जा सके। दिस डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, तो मैंने ऐसा बोल दिया आपको कि डाइजेस्टिव एंजाइम आने वाला है, कहां से आने वाला है जो स्टमक है, स्टमक उसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दे आर गोइंग टू रिलीज सम एंजाइम्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड द म्यूकस, बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट एक्ट्स ऑन द पेप्सिनोजेन, एक्चुअली पेप्सिन नहीं पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट सिक्रीशन दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू HCl क्या करेगा पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किसमें कर देगा पेप्सिन में, ओके एंड सेकेंड अब HCl है, HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है, आपकी वॉल भी तो डैमेज हो सकती है स्टमक से, उसको क्या करना है उसको प्रोटेक्ट करना है उस एसिड से, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.8 कुछ आसपास पीएच पहुंचता है स्टमक में, तो अगर वो 1.8 पीएच है उसकी वॉल तो डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर वो एसिडिक है तो क्या होगा उससे क्या होगा डिस्टर्ब मतलब वॉल डैमेज हो सकती है, तो व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कुछ एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी बननी चाहिए एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूकस। तो तीन चीजें स्टमक में क्या है, पहली बात स्टमक एक मस्कुलर है, उसमें फूड को जो आया है इसोफेगस की तरफ से उसको प्रॉपरली मिक्सिंग होगी, उसको किससे मिक्स किया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक में कहां से आ गए सडनली उनके वॉल में क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड and that gastric gland is going to secrete, is going to give you some enzymes, juices which are going to help you in digestion of the food. और तीन चीजें याद रखो, hydrochloric acid followed by pepsinogen or I can say pepsin and the third very important mucus. तीनों के अपने अपने रोल हैं, म्यूकस प्रोटेक्शन में काम करेगा। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin, मतलब पेप्सिन अपना काम तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको हाइड्रोक्लोरिक नहीं मिलेगा, मतलब वो लो पीएच में काम करेगा, तो वो लो पीएच की कंडीशन कहां से आएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नाउ द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, एज आई ऑलरेडी सेड 1.8 का पीएच पहुंच रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो योर स्टमक की लाइनिंग शुड बी प्रोटेक्टेड एंड दैट इज डन बाय द स्टमक। So can we just move ahead? इस स्टमक से अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब कहाँ जाएगा फूड, अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ,
कहाँ पे जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीज़ेस इट इन द स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक साथ धक्का देके सबको पूरा खाना को नहीं भेजा जाएगा, रिदमेटिक मूवमेंट होगी। और ये जो स्फिंक्टर मसल होती है बेसिकली दे आर रिंग लाइक सर्कुलर मसल व्हिच अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उससे क्या होगा स्टमक में, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये कंट्रोल होता है, ये खुलेगा बंद होगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वो खाना कहाँ पहुंचेगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो व्हाट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक द फूड न्यू नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted with the compact spaces because of the extensive coiling. If you can see over here, extensive coiling है, मतलब बहुत घुमा के एकदम रखा हुआ है और इधर ही पूरा digestion होने वाला है food का। The length of the small intestine differs in various animal depending upon the food they eat. Actually. और इन्फेंट्स में ये देखो धीरे धीरे इंटेस्टाइन की ग्रोथ बढ़ती है ऐसे धीरे धीरे। हर्बीवरस ईटिंग ग्रासेस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। तो हर्बीवरस जो एनिमल्स है, जो हर्बीवरस हैं वो आर डिपेंडेंट ऑन टोटली ऑन प्लांट्स एंड ऑल, सो दे हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन की लेंथ और लंबी होगी सो दैट दे कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज वेल इन केस ऑफ मीट नॉन वेजिटेरियन meat is easier to digest and hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. So depend upon ki inka food kaisa hai, food inki habitat first of all, food ki jo variety hai wo kaisi hai, intestine ki size bhi usme change hoti jati hai. So ab intestine mein khana pahunch chuka hai, let's move ki aage kya hai. अब इंटेस्टाइन में तो ऑलरेडी बहुत सारे है ऐसे एंजाइम जो करेंगे, अभी जो स्टमक से जो खाना पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं। अब उसको क्या करना है, कम्प्लीट डाइजेस्ट करना है, मतलब उसको आपने लिक्विड खाया है या काहे आपने जो एकदम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर खाया तो उससे तोड़ कर उसको ब्रेक डाउन करके क्या निकालना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लिसरॉल, लिपिड्स, तभी तो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी ना, आपके ब्लड स्ट्रीम में वो जाएगा ना। प्लीज रिमेम्बर दैट एग्जांपल, कि मैं मुझे यहाँ पे कट आया तो राइस नहीं गिरेगा, ब्लड आता है। ब्लड इज बेसिकली हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पे, ब्लड पे, तो सारा न्यूट्रिशन ब्लड में जाना चाहिए एंड ब्लड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब, तो हमें उस स्टेज पर उसको पहुंचाना है। सो बाइल जूसेस फ्रॉम द लीवर अकॉम्प्लिश this in addition to the active ones of the fats. So bile juices जो liver से आते हैं वो क्या करते हैं, fat के emulsification, emulsification मतलब I can say fat को छोटे छोटे particles में तोड़ देना, that is nothing but the emulsification. Fats are present in the intestine in the form of large globules, okay? So with the help of this bile juice which make it difficult for, अभी अगर फैट जो है बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहा तो उसको आपको आपका इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। तो लीवर ने क्या दिया, बाइल जूस दे दिया, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बाइल जूस ने दे दिया। लीवर ने क्या किया, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बाइल जूस के रूप में, और इससे क्या होगा, फैट का इमोल्सिफिकेशन होगा, मतलब फैट विल बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। Bile salts breaks them down into small globules, increasing the efficiency of enzyme action. So here, enzyme कब act कर पाएगा, जो intestine में जो enzyme present है वो कब act कर पाएंगे, वो तभी act कर पाएंगे जब वो small होगा। अब बड़े बड़े molecules हैं lipids के, तो उनको fats के लिए बड़े बड़े molecules हैं, तो bile juice की help से first of all पहले क्या होगा, छोटे molecules में उसको convert किया जाए, and what I have used the term, emulsification. एंड आफ्टर दैट जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा, सो वो बड़ा आसान हो जाएगा एक इंटेस्टाइन के एंजाइम को उस पर काम करने के लिए। अब सेकेंड पैनक्रियास, अभी अगर लीवर ने दे दिया कि मैंने लीवर ने बाइल जूस दे दिया, तो अभी पैनक्रियास को भी तो कुछ देना है, वो भी देगा, वो चुप नहीं बैठेगा। एंड व्हाट इज लिविंग,
The pancreas secretes the pancreatic juice which contains the enzyme like trypsin for the digestion of proteins and lipase for the breaking down of emulsified fats. What do you mean by emulsified fat? Large molecule थे fat के उसको emulsification किया small molecule में ले आए through the help with the help of bile juice which is given by liver. Emulsified जो fat है अब इसके ऊपर जो pancreatic enzyme है वो क्या करेगा act करेगा और उसको break down करेगा. So this digestive enzyme produced by your pancreas are lipase that is responsible for digestion of emulsified fats. Nuclease digest nucleic acid. Trypsin protein. Carboxypeptase it is also for protein only. And amylase. Amylase जो mouth में था इसलिए मैंने बोला ना वहां पे 30% ही हो रहा है बाकी सब pancreas में जो enzyme ये होने वाले हैं pancreas जो enzyme देने वाला है उससे होंगे तो these are the two structure which are going to give enzyme which will be given to small intestine. ये क्या करेंगे इनको digestion में help करनी है ना तो liver और pancreas अपना enzyme कहाँ pour कर देंगे कहाँ दे देंगे small intestine में and more specifically in duodenum. कहाँ पे in duodenum. तो pancreas का secretion और लीवर का सिक्रीशन कहाँ पे आएगा बच्चों ड्यूडेनम तो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट ड्यूडेनम जेजुलम एंड इलियम ड्यूडेनम में क्या आ गया पेंक्रियास और लीवर के सिक्रीशन को आ गया अब खाना सारे एंजाइम्स दे दिया फूड जो पार्शली डाइजेस्ट होके निकला था वो यहाँ पे पहुंच चुका है The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and milk. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. वो अकेला नहीं कर रहा है उसके दो दोस्त हैं pancreas और liver जो उसकी help करेंगे digestion में. The food coming from the stomach is acidic. Why? Because of the presence of hydrochloric acid. वहां पे low pH था वहां पे pepsin को काम करवाना था इसलिए कम पीएच था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अब वहां पे एसिडिक कंडीशन है एंड हैज टू बी मेड टू बी अल्कलाइन फॉर दी पेंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट ये बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा सा इसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनता जा रहा है लेट्स सिंप्लीफाई स्टमक से फूड निकला क्या था एसिडिक से आया है बेचारा तो एसिडिक कंडीशन में था पर अभी इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर पेंक्रियास ने जो एंजाइम लिया उसके ऊपर एक्ट करवाना है It should not, अब उसको अपनी एसिडिक बोलते ना नेचर को चेंज करके अब उसको क्या बनना होगा थोड़ा अल्कलाइन बनना पड़ेगा बेसिक बनना पड़ेगा द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स व्हिच आर गोइंग टू सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूसेस द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड प्रोटीन्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा ग्लूकोज एंड फैट्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये इतना मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इतना हो गया अब आप मुझे बोलोगे कि मैम एब्जॉर्प्शन भी करवाना है वहीं से तो एब्जॉर्प्शन होगा यस इंटेस्टाइन में अलोंग विद द इंटेस्टाइन ग्लैंड्स सिक्रीशन के साथ साथ उनके जो वॉल है ना बच्चों उधर विलाय प्रेजेंट है विलायस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सी यू कैन सी हियर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एंड दे आर सप्लाइड विथ ब्लड मतलब बहुत ज्यादा इसमें हाई ब्लड कैपिलरीज रहेगी सो दैट खाने का जो न्यूट्रिशन जो ब्रेक हुए हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उनको एब्जॉर्ब किया जा सके बॉडी में जस्ट लाइक दिस इज द विलाय और ये समझ लीजिए ब्लड तो दे आर सप्लाइड विद अ ब्लड कैपिलरीज तो यहाँ पे एकदम फुल ग्रोन फुल ऑफ नेटवर्क क्या रहता है ब्लड कैपिलरीज का इससे क्या होता है ना बच्चों फटाफट एब्जॉर्प्शन हो क्योंकि एब्जॉर्ब भी करना है ना तो डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन फूड जो न्यूट्रिशन जो कार्बोहाइड्रेट मिल गया वो सब अब क्या खींचना है उसको ब्लड में लेना है तो विलाय इसमें हेल्प द इनर लाइनिंग ऑफ द
small intestine has a numerous finger-like projection called villi, which is going to increase the surface area for the absorption. So as I have already mentioned, the villi are richly supplied with the blood vessel which takes the absorbed food to each and every cell of the body. Now here villi, and they are actually supplied with blood vessel, highly rich network है, so that आपके हर body organ में सारा nutrition पहुंचे. इसीलिए I have said rice नहीं पहुंचता दिमाग में, nutrition पहुंचते है. Where it is utilized for the obtaining energy, so when we'll start the second life process, that is respiration, वहां पे. So now you know कि respiration में जो ये carbohydrate ये जो बातें होने वाली आगे चल के, जो हमारा energy production है, basically वो कहां से आया? जो आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करके पहले उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया गया, प्रोटीन निकाल लिया गया, फैटी एसिड्स निकाल लिया गया, फिर अब आगे इसको दे दिया जाएगा रेस्पिरेशन में, ताकि क्या हो जाए, एनर्जी प्रोडक्शन हो. बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू. मैं खेल में जब मैं छोटी थी तब मैं, और अभी आप लोग भी, कितनी बार हम खेलते खेलते गिरते, तो रिपेयर हो रही है आपकी बॉडी, आप ग्रो हो रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन. So, what next? Small intestine is what? Complete digestion. What next? So, unabsorbed food रहेगा, it will reach to large intestine. वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर excessive water रहेगा, content है, तो उसको reabsorb कर लिया जाएगा, ताकि आपकी body में water का balance बना रहे, संतुलन बना रहे. उसके बाद remaining thing will be unabsorbed जो food है, it will reach to the लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाके स्टोर होगा, एंड इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी एज अ वेस्ट थ्रू एम्स. सो द अनअब्सॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाय अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. तो वाटर पूरा निकाल लेंगे वो, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय अगेन द एनाल स्फिंक्टर मसल. सो अगेन दिस इज अ सर्कुलर जिसकी एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की. सो लेट्स रिवाइज. सो कैन वी रिवाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट, सो लेट्स रिवाइज. खाना सबसे पहले कहां पे आया? माउथ में. क्या था? सलाइवरी ग्लैंड था, भूलना मत. सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी. सलाइवरी ग्लैंड में क्या था? सलाइवा. सलाइवा में क्या था? अमाइलेज. अमाइलेज में से क्या हुआ? स्टार्च वॉज कनेक्टेड, गॉट कनेक्टेड टू शुगर. फिर इसोफेगस. इसोफेगस में क्या है? इसोफेगस में बेसिकली जस्ट एलिमिनेट दिस लाइन, समथिंग रॉन्ग इज हियर. इसोफेगस में क्या होगा? इसोफेगस सिर्फ एक फूड पाइप है जो पास करती है खाना. ये कोई डाइजेशन यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है बच्चों, सिर्फ फूड एक पाइप है. फिर पहुंचा खाना कहां? स्टमक पे. स्टमक के पास क्या थे? तीन चीजें याद कर लो, HCl था, पेप्सिन था, और क्या था? म्यूकस था. HCl किसके लिए था? पेप्सिन को एक्टिव बनाने के लिए. और HCl से पूरे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था? म्यूकस. ये सब तीनों आ कहां से रहे थे? वॉल ऑफ द स्टमक विच कंटेन्स ग्लैंड्स, सिक्रेटरी ग्लैंड्स. फिर लीवर. अच्छा वैसे गाल ब्लैडर का क्या रोल है? गाल ब्लैडर इज गोइंग टू स्टोर दैट बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड, विच इज गिवन बाय द लीवर. तो लीवर ने क्या किया? बाइल सॉल्ट्स किया, एंड इट इज यूटिलाइज फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, मतलब उसको ब्रेक डाउन किया. देन वी रीच टू पेंक्रियाज. पेंक्रियाज में अमाइलेज है, लाइपेज है, एंडोपेप्टेज है, न्यूक्लियस है. फॉर योर एग्जाम यू शुड नो ओनली थ्री एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जहां पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगा. और कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, लिपिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. और उसके बाद उसको बॉडी में पूरे तरीके से पहुंचाया जाएगा. कैसे? विद द हेल्प ऑफ विलाय विच आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. एंड वहां पे हाईली एनरिच नेटवर्क किसका है? ब्लड वेसल का, जो फटाफट इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी. और अनएब्जॉर्ब फूड को कहां भेज दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन. और वहां पे रेक्टम में
वहां पे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद उसको कहां पे रेक्टम में स्टोर करके इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी थ्रू एनस. सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, मोर स्पेसिफिकली ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल. सो यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल एंड राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स सो दैट यू कैन स्कोर, you can score some good marks in your NLRP exam. And that is the motivation for today, that the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. So you have many challenges. Let me, if I will talk about this subject, biology only, yeah, I can understand. लाइफ प्रोसेस पढ़ना और उसके साथ बहुत सारे डायग्राम्स को देखना, हर छोटी छोटी बात को याद करना, रखना अपने दिमाग में, इट बिकम्स चैलेंज, इट इज अ चैलेंज फॉर यू. बट यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू डील विद इट. सो वी हैव टू डील विद इट एंड वी हैव टू स्कोर सम गुड मार्क्स इन एग्जाम. सो नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एनर्जी प्रोडक्शन. अभी क्या किया, अभी सिर्फ डाइजेशन किया है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है. ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल में सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता. एंड नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन. सो रिवाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स कितने टीप थे. थैंक यू.